नमस्कार, राम राम मोहन किंजल। और आप देख रहे हो झलको चूरू। जिला रे सरदार शहर तहसील रे गांव सारसर रे महीने सोमवार शाम ऊंट जो है अपना ही मालिक पर हमलो कर दियो। ऊंट जो है मालिक ने मुंह ऊपर उठा लियो, जिरू मालिक रे गला पर जो है जंबीर जख्म और चोट आई है। शोर मचावा पर ऊंट जो है मालिक ने नीचे पटक दियो। परिवार रे लोग जो है निजी वाहनों लहूलुहान हालत रे महीने घायल युवक ने डीबी अस्पताल रे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचायो। अस्पताल रे महीने घायल रे जो परिजन है वे बतायो कि सरदार शहर सारसर निवासी रुगा राम जी उम्र 35 साल है, सोमवार दोपहर में बाजरारी सीटी काट रहे हो। वो जो है बोरी में डाल उन्हें ऊंट गाड़ी पर ले जावा रहे वाते ऊंट ने खोल रहे हो। जदे ऊंट जो है गर्दन उपकट रघुराम ने ऊपर उठा लियो। इरु ऊंट रे दांत उरी गर्दन में चुभ गया है। घायल हुआ पर गलाऊं बुरी तरह खून भी बहवा लागो है। खेतरे महीने मौजूद परिजन व अन्य लोग जो है शोर मचावा पर ऊंट ने रुगा रामू नीचे पटक दियो। घायल जो है निजी वाहन उन्हें परिजन डीबी अस्पताल री इमरजेंसी वार्ड में पहुंचायो। जटे मौजूद डॉक्टर जो है और डॉक्टर जो टीम है तुरंत घायल रो इलाज करियो। चूरू जिला रे भानीपुरा थाना रे थाना प्रभारी राय सिंह सुथार पर अधिवक्ता और सरदार शहर विकास मंच राध्यक्ष राजेंद्र राजपुराहित ने धमकी देवारो आरोप लागो है। जीरो 8 मिनट रो अबे ऑडियो भी काफी ज्यादा वायरल भेरियो है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सरदार शहर विकास मंच राध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित प्रेस वार्ता कर यूं बतायो है कि भानीपुरा थाना अधिकारी फोन रे जरिए वणा ने धमकी दी ही। वटे ही 8 मिनट री बातचीत में जो है थाना अधिकारी राय सिंह अधिवक्ता राजेंद्र राजपुरोहित ने एक जगह कहता तक यू सुनियो जा सके है कि आप राजेंद्र जी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप यदि जो है अपराध किए हुए व्यक्ति को अपराध से बचाने के लिए एसएचओ को डराना धमकाना चाहते हो ना, तो वो एसएचओ राय सिंह नहीं है, ठीक है? और ये भूल कर भी दोबारा ये एडमिट मत कर लेना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये पर्सनली ले लेना। वटे जो है 8 मिनट रा ई ऑडियो रे महीने थानाधिकारी राय सिंह और सरदार शहर विकास मंच राध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित बीच नोक जोक होती तकी सुनाई दे रही है। वटे ही राजेंद्र राजपुरोहित जो है थानाधिकारी राय सिंह पर धमकी देवारो आरोप लगायो है। राजेंद्र राजपुरोहित रो कहणो है कि ई घटना ने लेर सरदार शहर विकास मंच रा कार्यकर्ता रे महीने भारी आक्रोश है और विरोध है। ई मामला ने देर जो है मंगलवार दिन सरदार शहर विकास मंच रा कार्यकर्ता बैठक कर आगे री रणनीति बनाएगा। ई मामला ने देर जो है आज बार एसोसिएशन री बैठक भी वेगी। और वटे ही मामला रे महीने भानीपुरा एसएचओ राय सिंह सुथार रो यो कहणो है कि मारी और वो जो है वणा ने डरायो धमकायो नहीं गयो है। रायपुर गांव रो एक मुकदमो पहले ही दर्ज हो और वो मामला में वकील साहब जो है आरोपिया ने बचावा रे वाते आरोपिया रे पक्ष में एक मुकदमो SC ST एक्ट में दर्ज करवानो चावे है और मामलो मानी और वो दर्ज भी कियो जा रियो है। लेकिन वकील साहब रे द्वारा मारे परिचिता ने फोन कर मारे माथे जो है दबाव डालवारी कोशिश करी गई है। मैं वणा ने यो ही कहना चाहूँ कि पुलिस बिना की भी दबाव रे निष्पक्ष जाँच करेगा। ऐसा है कि मेरे पास आज दोपहर के अंदर कोर्ट के अंदर जब मैं ऑन ड्यूटी था, मेरे ऑफिस में था, तो उस वक्त और रायपुरा गांव के और दो आदमी आए जिनके हाथों पे चोटें वगैरह भी लगी हुई थी। उनके साथ एक बड़ू सर का आदमी था, वो मेरे पास आए और बोला कि हमारा मुकदमा दर्ज करवाना है। उनके चोटें वगैरह लगी हुई थी, SC ST के लोग थे, गरीब लोग थे। जब मैंने SHO राय सिंह को टेलीफोन किया, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, वैसे फ़ोन किसी के नहीं उठाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चार बार फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मैंने इनके एक मित्र हैं या रिलेटिव मान लो जो मेरे भी अच्छे है, राकेश जी जहांगीर तारानगर, और एक मेरे है अपने जोगिंदर जो विकास मंच का अध्यक्ष है, जो भी इनके नज़दीकी आदमी है, तो मैंने इनको बोला कि भाई राय सिंह जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब ये नहीं करेंगे तो लोग बाग जाकर के वहाँ धरना देंगे, क्योंकि मुकदमा इनके चोटें वगैरह लगी हुई है तो मुकदमा इनको करवाना है, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। उसके बीच में राय सिंह का एक दो बार फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि भेज दो, आप मुकदमा दर्ज करवाता हूँ। उसके बाद मालूम नहीं क्या होता है, राय सिंह का अभी करीब 1-1.5 घंटे पहले, करीब 2 घंटा हुआ होगा, जब मैं मेरे दोनों बेटे वगैरह जो एडवोकेट भी हैं वो बैठे हुए थे, उस वक्त राय सिंह का फ़ोन आया, बाकी अन्य बातें की कि आपने मेरे लोगों को इस प्रकार के फ़ोन किया जो मेरे नियरेस्ट लोग हैं, तो उसे आप क्या दिखाना चाह रहे हो, और मुझे लोग राय सिंह कहते हैं, और इस बात को आप पर्सनल ले लेना, यदि दोबारा इस प्रकार का कोई अटेम्प्ट वगैरह किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और रिजल्ट भुगतने तैयार रहना। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको सबको सुनाई है और ये मैं रिकॉर्डिंग ऊपर तक लेके जाऊंगा, और यदि भाजपा के नेता भी जो ना जिन्होंने लगाया है और जो ये सोचते हैं कि राजेंद्र राजपुरोहित और उसकी टीम और विकास मंच भाजपा के साथ रहे हैं पिछले चुनाव में 2-3 चुनाव के अंदर, तो वो भी इस पर गौर कर लें, अन्यथा विकास मंच अपना काम करेगा। विकास मंच के कार्यकर्ताओं को जब मेरे को सारी विकास मंच के बारे में उसने गलत शब्द बोला है, विकास मंच को भी अविकास मंच बोला है उसने,
अविकास मंच का मतलब है उल्टा होता है हमेशा। तो विकास मंच के कार्यकर्ता अभी आपके सामने बैठे हैं, इस पर हम सारे विचार विमर्श करके हमें जो भी बड़े से बड़ा एक्शन होगा वो हम लेंगे। और इस प्रकार की धमकी आज मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, चाहे मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ या मैं जनता के हित में काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे को डरा धमका करके और चुप करवाना चाह रहे हैं, मेरे को धमकियाँ दे रहे, इसको पर्सनली ले लेना। तो मैं आप सब लोगों को यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भी इस प्रकार कोई एक समाज का एक आदमी जिसने 300 आंदोलन सरदार सिंह की जनता के लिए किए हैं, उसको एक SHO एक SC ST के आदमी को जिसके चोटें लगी हुई है और उसको झूठा मुकदमा बताते हुए और ये धमका रहा है कि आप इसको पर्सनल लेना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ और आप को दोबारा यदि आपने इस प्रकार की कोशिश की तो उसका सबक मैं सिखाऊंगा। देखिए पहले तो हमारी बार कल मीटिंग होगी, विकास मंच के अभी कार्यकारिणी की मीटिंग है, इस विकास मंच की कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि बड़ी मीटिंग हमें कब रखनी है। बड़ी मीटिंग रखने के बाद हम सरदार सर के संभ्रांत लोगों को सभी को, और कल सरदार सर कल कितने बजे मीटिंग रखते हैं, हमारी ये मीटिंग तय होने के बाद सब सरदार सर के संभ्रांत लोगों को मैं बुलाऊंगा, सबको ये रिकॉर्डिंग वगैरह सुनाऊंगा और उनको ये पूछूंगा कि भी इसमें मैंने इनको कोई एक्सट्रॉक्शन किया है, मैंने कोई धमकी दी है, क्या किया है। तो राय सिंह मेरे को व्यक्तिगत रूप से सबक सिखाने की धमकी क्यों दे रहा है, जो बानीपुर SHO राय सिंह है ये मेरे को सबक सिखाने की और व्यक्तिगत रूप से ये कहते हुए कि ये रिकॉर्डिंग है, ये आप ऑटो रिकॉर्डिंग कर लेना और मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आप पर्सनल इसको सुन लेना, मैं आपको और जो भी आपने सुना है अभी वो मैंने आपके सामने सभी को सुना है, वो आपने चित्र भी सुना भी है, रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सीधी सी बात है, ये मेरा खुद का मामला नहीं है, यह सरदार सर की गरीब जनता का मामला है जिसके लिए मैंने बात की, ये हमारे बार एसोसिएशन को, क्योंकि इसमें वकील का नाम बार बार आ रहा है, और यह सरदार सर विकास मंच का और सरदार सर की जनता का मामला है, पूरे तहसील क्षेत्र का मामला है कि यदि कोई आदमी इनके खिलाफ कोई हेजिटेशन करते हैं, इनके तकलीफ किस बात की भी कि बद्रीदास वाला जो धरना प्रदर्शन था उसके अंदर मैं अड़ा हुआ था इस मामले को लेकर के कि SP कलेक्टर आकर के बात करे, और वो इसके अंदर इसको मैं मुलजिम ही कहूँगा क्योंकि जो मुलजिमों से मिलकर के इस प्रकार की बात करता है वो अभियुक्त होता है, तो उसको ये बड़ी तकलीफ हो रही थी बार बार कि ये राजेंद्र राजपूत क्यों कर रहा है, तो उसी से टीस लेकर के उसने मेरे को ये धमकी दी है। तो अब हमारे जो कार्यकर्ता तय करेंगे, सरदार सर की जनता जो तय करेगी, तो उसके उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैंने सिर्फ डिप्टी साहब को सिर्फ इतना ही कहा था कि भी उनका मुकदमा दर्ज, लेकिन ये जो मैंने बात आपसे कर रहा हूँ ये टेलीफोन डिप्टी साहब के टेलीफोन से मेरी बात होने के बाद डिप्टी साहब बाद उसका फोन आया SHO राय सिंह का, जो ये जितनी भी थ्रेटनिंग वगैरह दी गई है ये एक बाद की घटना है।